बड़े बुजुर्ग का आग्रह कि इसके घर में देर है अंधेर नहीं है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं कैथड़ के पाई गांव में, जित किसान आंदोलन के दौरान 19 साल का लड़का शहीद हो गया था पाई गांव का। आपने दिखा भी दे फोटो लग रहा है अजय डूल का, तो अजय डूल किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गया था और उसके बिल्कुल 2.5 साल बाद उसके पिताजी का नाम है जयपाल, जयपाल को एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं। देखो बहुत कम देखा जाता है कि जुड़वा बच्चे हो, और जुड़वा बच्चे भी अगर हो गए तो या तो लड़की होंगी या लड़के होंगे, लेकिन एक लड़का और एक लड़की साथ में हुए हैं। तो जहाँ तो मैं कह रही थी कि बुजुर्ग का आग्रह उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, तो 2.5 साल के बाद एक लड़का एक लड़की ने जन्म लिया है, तो भीतर चाल का घर आला तो बात करेंगे भी कितना खुशी का माहौल हो रहा है, कितनी खुशी है। एक वो टाइम था कि जिस टाइम पर अजय शहीद हो गया था किसान आंदोलन में, और एक यो टाइम है कि 2.5 साल के बाद भगवान ने सुन ली है और एक लड़का एक लड़की जुड़वा बच्चे हो गए हैं, तो खुशी का माहौल है। अंदर चाल के बात करांगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो अजय का पिताजी है जयपाल जी, राम राम सर। राम राम जी। कितनी उम्र होगी सर? 52 साल की उम्र होगी जी। मैं सर कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी बहुत ज्यादा हो रही है जी। कै दिन हो गए बेटा बेटी हुए? बेटा बेटी 26 तारीख ना हो जी, जद के जी फुल्ले नहीं समा रहे। देखो सर एक वो माहौल था जिस टाइम पे अजय शहीद हो गया था किसान आंदोलन में, और एक आज का दिन गया नुका आग्रह देर है उसके घर में देर नहीं। हाँ जी देर है जी उसके घर में, वो परमपिता परमात्मा ने सारी दिखाई दी जी। जद का माहौल ही था, ईसा था जी, ईसा जी कर आत्महत्या कर लिया, हमारी जिंदगी में कुछ रहे कौन था, और आज का ऐसा माहौल है जी मैं फुल्ले नहीं समा रहे जी। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था जी, बहुत होनहार बच्चा था जी, सबके कार्य में काय करता जी, दिल्ली बॉर्डर पर बहुत कार्य करे करता जी, ठीकरी बॉर्डर पर रहे करता जी। 19 साल की उम्र में शहीद हो गया? 19 साल 7 महीने की उम्र में जी शहीद हो गया जी। तो देखो उस टाइम पर मतलब घर में क्या माहौल रहा होगा, और आज भगवान की दया था मतलब खुशी का माहौल? बस उसका माहौल का तो जी ऐसा है जी, बस जीण ने भी हमारा जी कर रहा था जी, धनु जी है, तीनों जी आगा जी, एक मेरी बच्ची है, और आज जी मैं फूल नहीं समा रहे जी, न्यू मैम दिन दिख दिन रह जी आत्म तो मंडे रह जी, मैम रही तो कौन रह जाएगा आत्मा। खुशी हो रही है जी, कोई मामले टेंशन नहीं रही जी, जच्चा बच्चा सही है, जच्चा बच्चा ठीक है जी, परमात्मा ने मारी सुन ली जी, लोगों की दुआ थे जी, हमारे परमात्मा ने सब कुछ दे दिया जी वापिस। तो ताऊ तो बात करांगे, राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम फकीर चंद है भाई। देखो तो पाई गांव में मतलब एक वो दिन था कि मतलब पूरे पाई गांव में मतलब न्यू हो रहा था कि एक जवान छोरा शहीद हो गया किसान। उस वक्त तो बेटिया लाले सारा गांव में के जितना देश ने बेरा भी था नहीं अजय के बारे में, किसी को तवा चढ़े को नहीं था। हाँ ये लाले परमात्मा ना लाले, दुनिया की दुआ ना लाले, बाबा बिशनपुरी दादा खेड़ा नगर सबकी लाले दुआ था, परमात्मा ने मारी सुन ली। और माम न्यू कहा कि हे परमात्मा लाले जिस तरह मारी लाद रख इस तरह सबकी रख। हाँ नहीं जमा हमारा भाई मेरा भाई छोटा है लाले सारे, हमने मेरा इतना दिल उस तरह हो रहा था कि इसका कहानी देखा भी कौन दाव था, पड़ लाले आंसू पड़े कर दे बिल्कुल, मैंने कई दफ़ा न्यू भी कहा कि भाई का भाई उर बैनर सा लाव लाले महा ठीक हो नहीं, फिर के करा मजबूरी थी। ये परमात्मा ने लाले मारा इतना हौसले बुलंद कर दिया, मारा भाई मारा बराबर का कर दिया, मैं इस परमात्मा का शुक्र गुजार हूँ, और तय दिल तलाले धन्यवाद करूं जितने भी मेरे भाई हैं जिन्हें मारा बारह में लाले उस सौदा लाले परमात्मा तो दुआ करी उस दुआ ने लाले मारा जोड़ी के मारा घर भी भर दिया। हाँ दमा मौज कर दी उरे बेटा लाले, मैं बताऊं तो ना इसकी छोरी के बारे में मम ने उसते भी ज्यादा, और भाई के बारे में उसते भी ज्यादा लाले, और दमा हौसला मारा लाले इस बराबर का भाई बस गया मारा। हाँ मैं सबका धन्यवाद दूँ और शुक्रगुजार। देखता उन्हें कोई आग्रह कि यो बसानी है यो उजाड़नी है? हाँ, बेटा न्यू कहा था कि मतलब इसके अगर देर है अंधेर नहीं है, वाक्य में लले बात सच्चाई है साबित हो रही है, इसके अगर में देर है थोड़ा हाथ जिस तरह 2.5 साल काटे हैं इसने, 2.5 साल है नहीं कम तो कम भी 250 साल के बराबर के पूरे हुए हैं। हाँ फिर परमात्मा ने मारी सुन ली लले, सुन लीजिए आज मम ले रहे इतने खुश हैं कि मर बला ले खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी, जिसने भी बेरा है नहीं पूरी प्रसन्नता पूरा देश में,
इसमें पंजाब के मारे गुआंड के जितना भी मतलब ऑल हरियाणा ऑल इंडिया में ला लो जी जिसने भी बेरा सारे सारे पूरे फुले नहीं मारे जिसने पता चला हाँ खुशी हो रही है। हाँ बहुत खुशी हो रही है बेटा ला ले इतनी खुशी हो रही है कि मैं ला ले अपने का पूरा बखान भी नहीं कर सकते। हाँ राम 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 राम। क्या नाम सर आपका? रमेश है जी। आप क्या कहना चाहोगे सर आज इतनी खुशी का माहौल है? बहुत घनी खुशी है जी। आप नाम नहीं सुने सारे देश ने खुशी हो रही है सब लाडू बांटन लग रहे हैं जमा जमा खुश कर रखे हैं जमा खुश कर दिए। देखो भगवान ने सुनी है मतलब जुड़वा बच्चे दिए जमा जोड़ा दे दिया जी जमा खुश कर रखे हैं आत्मा हमारी मौज कर दी। परमात्मा ने इस जगह पे बैठ के बहुत हौसला था वो हमारा। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? मौज कर दे परमात्मा ने यही मारे को लिया। राम राम सर। राम राम। आपका क्या नाम है? दिलबाग है जी। देख सर मतलब ये आपकी तो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी हो गई 45 की तो। 45 साल की उम्र आपने पहले देखा है मतलब एक जवान बेटा जब शहीद हो जाए तो माँ बाप का क्या हाल हो जाए? गाल के था कुछ भी नहीं जतनों को था जब खत्म हो रहा कहानी ला ले जिसने भी बेरा पट्टा था उस टाइम पर मतलब सबका बुरा हाल था। बुरा लगे किसी का मैंने ऊपर नाड़ो को नहीं हो दिले इमाम बैठे करते पहला हाँ ठीक थे माम बीच में आगे मारा ले बोलूँगा जियो नहीं करता न्यू न्यू भी जिक्र दे अरे माम मिला ले कहा दिनों का पूरे खुशा 24 घंटे ला ले खुशी का माहौल पूरा तुम्हें खुशी का माहौल सब खुश है। हाँ तुम्हें खुश है। तो देखो भगवान ने सुनी है मतलब दो जुड़वा बालक एक लड़का एक लड़की 2.5 साल में मैंने कहा अगर जब बसाना हो बसाओ भी हो है उजाड़े भी हो है तो मतलब उजाड़ कर दोबारा बसा दिया और रक्षाबंधन का त्यौहार आना हो रहा है तो गुड़िया में पूछेंगे भी रक्षाबंधन के त्यौहार तो पहले भाई आ लिया है। ठीक है बेबे। हाँ जी ठीक है जी। नाम की है? पूजा। पूजा तो पूजा की सही है कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। अच्छा बहुत ज्यादा फूले नहीं समा रही इतनी खुशी तो पहले भाई आ गया। हाँ जी बेबे भी आ गई। हाँ जी बहुत खुशी है इस बात की बहुत खुशी है। हाँ जी 2 साल बहुत तरसे हैं जी रक्षाबंधन। हाँ जी ईद त्यौहार आया जी मेरा बहुत मुश्किल ही हो बिल्कुल कर दीजिए मतलब काबरू उतरते था भाई एक छोटा नहीं छोटा था जी छोटा उसकी एक के तमन्ना थी का एक रहा था कि मैंने बेबे मेरे चांदी की राखी बांधी है इस बार वो तमन्ना पूरी करूंगी उसकी बहुत खुशी है इस बात की। देखो बहुत खुशी की बात है सच में मतलब मारा भी सुन गया कि हम पानी आ गया मतलब उस टाइम पे एक ऐसा माहौल था आज खुशी का माहौल है अब मतलब खुशी में सब फूले नहीं समा रहे हैं और मतलब बेबे की आंखें में खुशी के आंसू भी है और रक्षाबंधन तक पहले भाई आ लिया है गिल्ले बेबे आ गई है और भाई की एक तमन्ना थी अक चांदी की राखी मेरे बांध दिए तो बेबे ने कहा है कि वरिया भाई का चांदी की राखी बंधेगी। शादी के बाद जी मैंने एक बार भी राखी नहीं बांधी थी उसका। अच्छा अब पहली बार है कि शादी के बाद मैं इसका राखी बांध रही हूँ। भगवान ने सुनी हुई तेरी। हाँ जी तो देखो भगवान ने सुन ली है तो आपका क्या कहना? देखो उन्नू का आग्रह बड़े बुजुर्ग जो कह आग्रह ना वो सच्ची है कह आग्रह देर है अंधेर नहीं है मतलब 2.5 साल भले बाद ही दिया लेकिन दो जुड़वा कट्ठे दिए एक लड़का एक लड़की बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस घर में फिर तो जन्म होया जो इसके पिताजी है 52 साल की उम्र है 52 साल की उम्र में दोबारा आता है जयपाल जी का एक लड़का एक लड़की हुए पहले एक लड़का था एक या गुड़िया है शादी बाद में हुई बेबे ना 7 साल हो गया था शादी हुआ। अच्छा हाँ जी। अच्छा नाम नूम रख दिया? अजय अजय जी। अजय दोबारा आ गया है। हाँ ठीक है तो देखो इस खुशी के माहौल में आपका क्या कहना है कि इतनी खुशी है जिसने भी बेरा पट्टा है किसान आंदोलन के दौरान जो लड़का शहीद हो गया था तो आज जिसने भी इस बात का बेरा पट्टा है कि उस घर में दोबारा तो जन्म हो गया है तो सबने बहुत खुशी हुआ है मिठा मुँह करण का माहौल है तो आप भी बताओ कि आपने कितनी खुशी हुई यह बात सुनकर न जो लड़का शहीद हो गया था उससे घर में फिर दो जुड़वा बच्चा ने जन्म लिया है एक लड़के ने एक लड़की ने तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो क्योंकि खुशी है और खुशी को दबा के शेयर करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों जय जवान जय किसान और जय हिंद।